मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। मैं हूँ प्रिया एंड आप सभी का ब्लॉग विद प्रिया सरकार में वेलकम है। तो यहाँ पर देखो, दो महारानी सो रही है मस्त। अभी मम्मी हाला कर रही है पूछा, एंड गर्मी का तो मत ही पूछो, जो हाल है बेहाल है एकदम। अभी 7:15 हो रहा है, चाय चढ़ानी है, ड्राई फ्रूट वगैरह सब खा लें, सब काम हो गया मॉर्निंग का। लेकिन वही है कि खाने में बनेगा क्या, उसके लिए बैठे हैं, ब्रेकफास्ट नहीं बनाएंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी है, खाना बनाओ एक बार में। पति देव बाहर चले आते हैं ब्रेकफास्ट, तो उसका टेंशन नहीं है। बोल, सुनाई दे रहा है कि नहीं तुमको? हाँ इतिका, 7 बज गया ना, लेकिन अभी तो उठने का नाम नहीं है उसका। की हलो ब्रेड को थोड़ा तेल डाल के सेकते हैं तो ठीक रहता है, और गैस तेज करके सोई के रहो, और जल रहा है अभी से वो। क्या ले लो? दुपट्टा। तो ये सुबह से इसको 200 दुपट्टा मिल के हंसी के पीछे लगी है। यानी यहाँ पे चल रहा है ब्रेकफास्ट, अंडा ब्रेड। तो यहाँ पे देखो, कपड़े सुखाने 3-3 आदमी गए। मैंने पतिदेव को बोला है चिकन लाने के लिए, चिकन खाने का मन कर रहा है, तो चिकन मम्मी से मचवाऊंगी, इतना मैं तो नहीं बनाऊंगी। तो यहाँ पे उसके लिए अदरक लहसुन छोड़ लिया, गर्मी में ज़्यादा नहीं लिया है, थोड़ा थोड़ा ही मसाला डालेंगे, और परवल तलेंगे। तो परवल तलवल के मैं, मेरा चेहरा देखो ना कैसे उतर गया पूरा, यानी ये आँखें नीचे, मम्मी भी बोल रही है तेरा चेहरा पानी पूरा डाउन हो जा रहा है करके। तो यहाँ पर फिर यहाँ पे बड़ा ब्रेड पकौड़ा जलेबी चल रहा है, और देखो चटाई वटाई कैसे फेंक के रखी है लीजा। यहाँ पे परवल भाजा भी हो गया है लगभग। चिकन बनाएगी मम्मी, थोड़ा गर्मी का मज़ा ले ले। वो तो नीचे झुड़ी थी, उफ बाप रे। छुट्टी किचन से, इतना गर्मी हो रहा है, इतना बाप रे, मैं पगला जा रही हूँ। पति देव को बोलूँ कल से जो भी खाना रहेगा रात को बना दूँगी, सुबह खाली चावल बनाऊँगी। अरे यहाँ पर दोनों में इतना धूप में इनको पानी देना है पेड़ में, देखो। और घर में मेरे को रहने नहीं बन रहा, इतना गर्मी लग रहा है, कहाँ जाऊँ घर छोड़ के बताओ। कोई रूम इसको पता है क्या? नीचे बैठो तुम, नीचे जाओ। नींबू देखा गया रे, छी छी पूरा ठंडा हो जाएगा हवा में, और कड़ा हो बने छे आला में बंद कर वो कूलर है। बस और नहीं, रखे दो, ले जाओ ले जाओ, रख ले, नहीं रख, तो तुम्हारा भी नहीं है तब तो। तो हमारा तो नहीं, छे जने तो ही बड़ी जाओ जनी लापत जाइए दही और एक वाद। गाइस वो लोग गए, सो मम्मी पाल के रखी है गाय बछड़ा बोलो, तो जिसके चलते भागना पड़ रहा है, भाई भाभी संभाल नहीं पा रहे। एंड दोपहर में मतलब फिर मेरे को इतना ज़्यादा लेफ्ट लंग्स में पेन हो रहा था ना, लंग में, फिर मैं मतलब स्प्रे किया मैंने, फिर जितना देर जलन हुआ तो थोड़ा आराम लगा बोलो, फिर सोई, सो फिर दर्द में फिर नींद खुली है, फिर अचानक से वो दर्द ख़त्म हो गया, पीठ में जो नस चढ़ी थी वो दर्द, मतलब मैं बहुत ज़्यादा इरीटेटेड हूँ, मैं क्या ही बताऊँ बोलो।
एंड मैं सोच रही हूँ कि ये जो 8वां महीना है वो घर में गुजर जाए, बट ऐसा लग रहा है ना कि अभी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, अभी कुछ वैसा हो रहा है। तो हितिका भी गई है, उसके पापा को उधर कुछ काम था तो थोड़ी देर रहेगी, फिर आ जाएगी मम्मी लोग के। एंड बहुत ज़्यादा गर्मी आज 40 डिग्री से ऊपर है टेम्परेचर, जहाँ तक बिल्कुल भी रहने नहीं बन रहा है घर में। गाइस अभी मैं दे रही हूँ बाहर आंगन में पानी, 6:30 हो रहा है एंड लगभग 15 मिनट तो मैंने छोड़ दिया, उतना देर में बस इतना ही दिया और टाइम लगता है। लेकिन बाल्टी से उस दिन जब करी तो मेरा हालत ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा पैर में दर्द हुआ, इसीलिए सोच रही हूँ कि भले ही टाइम लगे लेकिन पाइप से ही दूँगी। एंड अच्छा सोप भी करता है तो मैं दूसरे दिन नहीं भी दूँगी तो चलेगा। फिलहाल अपने लिए बनाई है लस्सी, मतलब छाछ बनाई, दही को बढ़िया से फेंट के उसमें काला नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर, गर्मी में देखो ग्लास भी चिल्ड है एकदम, यही ठीक है खाना पीना। सब चलता है, बैठ गए अभी घी बनाने। बाहर तो अभी 6:40 हो गया ना, देखो आधा घंटा में तो भी कुछ नहीं हुआ, जितना का उतना ही भीग गया आंगन, बहुत सूखता है ये पानी। बैठे बैठे कम से कम घी वाला काम ही कर लूँ। एंड ये जो टी शर्ट देख रहे हो ये आज आई है पति देव की, 3-3 टी शर्ट्स मंगाए थे उनमें से एक अच्छी आई है, सब में लिखा है कॉटन फैब्रिक है लेकिन मंगाऊंगे तो सब नायलॉन वाला कपड़ा है, ये वाला प्योर कॉटन में, जैसे मतलब नॉर्मल एक टी शर्ट का कपड़ा होता है ना वही। तो चलिए मैं घी भी बनाती हूँ, बैठी हूँ देख 15 मिनट में, देखो मेरा बटर निकल के रेडी हो गया, कितना ईजीली हो गई, कितने अच्छे से देखिए। घी निकाल के मैंने यहाँ पे चढ़ा भी दिया, मतलब बटर निकाल के चढ़ा भी दिया, घी निकलना स्टार्ट भी हो गया। लेकिन मेरे आंकर का वही हाल है, आधा अधूरा ही भीगा है अभी तक, पूरा ही पूरा इधर तक बाकी है। देखो देखो 1/2 लीटर मेरा घी निकल गया, यहाँ पे कलाकंद बन गया, ये थोड़ा सा जो इसमें काला दिख रहा है बाकी वो ब्राउन हुआ है। एंड यहाँ पर पनीर भी मैंने निकाल लिया है, तो देखो ये कोने थोड़े मैं छलनी में डाल दी थी ना इसलिए नहीं जम पाया, फिर बाद में कपड़े में डाली तो बीच वाले पीस देखो अच्छे निकले। मेरी हालत भी देख लो अब मेरे पैरों ने भी जवाब दे दिया, क्योंकि अभी 8 बज गए एंड आई थिंक मैं 6-6:15 से लगी हूँ, तो बहुत देर खड़े खड़े हो गया। अभी बर्तन भी पूरा घी वाला, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा रेस्ट करती हूँ फिर करती हूँ। फिर मेरे को चीला भी बनाना है, क्योंकि चिकन बना था दोपहर में, तो चिकन है तो चिकन के साथ अच्छा लगता है चीला, तो मैं बनाऊंगी सोच रही हूँ। बिल्कुल एनर्जी नहीं है मेरा किचन का जो हाल है मैं क्या ही बताऊँ एकदम, मतलब ये सारे जो बाल है ना सारे भीगे हैं स्वेटिंग में, बताओ ऐसे मेरे को कभी नहीं होता है, ऐसे बाल भीगते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता। एंड पैरों में भी जान नहीं है कि मैं खड़े होकर भी बर्तन धोऊं, चीला बनाऊं, फिर कल गुरुवार है तो सारा गैस वैस साफ करना है।